जय हिंद, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे सीएम सर के साथ आपके आसपास जो भी हो रहा है वो सारी चीजों को देखने के लिए। यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, डेली करंट अफेयर। करंट अफेयर मतलब क्या, हमारे आसपास जो भी हो रहा है। आपने सुना होगा पापा जी हमेशा किसी से फोन करते हैं, पूछते हैं और बताओ क्या चल रहा है। मम्मी भी पूछती रहती है और बताओ क्या चल रहा है। आपके भैया भी कभी आपसे पूछ सकते हैं बताओ क्रिकेट में क्या चल रहा है। आपकी दीदी पूछ सकती हैं कि बता दो सोने के भाव कितने चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी जो है करंट अफेयर आपके आसपास। लेकिन 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 किस प्रकार से ये करंट अफेयर के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, किस प्रकार से आपको नंबर दिलाते हैं, किस प्रकार से आपको सिलेक्शन तक पहुंचाते हैं, इस प्रकार की पूरी जानकारी हम लोग इस क्लास में देखते हैं। तो सभी बच्चों का स्वागत है आपके प्यारे सीएम सर के साथ। अब देखिए, एक बच्चे ने बोला है कि सर 7 तारीख की पीडीएफ नहीं मिली है। बिल्कुल, मैं टीम को मैसेज दे दूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल दूंगा, याद से बोल दूंगा। ठीक, आइए देखिए कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर एक बैठक, एक समिट का आयोजन हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करेंगे। साथ में खेलो इंडिया का एक और गेम शुरू हो रहा है। क्या है गेम, कहां पर हो रहा है, मस्कट क्या है। साथ में कुछ देशों के साथ हमारे कुछ तनाव जैसी स्थिति आ रही है, किसी देश में कुछ तनाव जैसी स्थिति आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ खेलों के बारे में बात करेंगे। साथ में और भी कुछ कई सारी बातें हैं, योजनाओं की बातें हैं, इंडेक्स की बातें हैं, कुछ हमारे डिफेंस सेक्टर से बातें होंगी। तो ये सारी बातें हम लोग देखेंगे साथ में। सबसे पहले आते हैं, डालते हैं नजर होमवर्क के सवाल पर कि आखिर कल हमने क्या देखा था। होमवर्क के रूप में आपको सवाल क्या दिया गया था, आइए तो देखिए। यहां पर है, हाल ही में बेंगलुरु मेट्रो की पहली चालक रहित ट्रेन कौन सी है जो कि चेन्नई पहुंची। ठीक, कहां पर से आई थी आपको यह बताना है। रिसेंटली बेंगलुरु मेट्रो फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन अराइव्ड इन चेन्नई फ्रॉम विच कंट्री। क्या यह जापान से, चीन से, दक्षिण कोरिया या यूएसए अमेरिका से आई थी, बात क्या है। देखिए आपको पता है एक होती है सामान्य कार, एक होती है ड्राइवर लेस कार, मतलब जिसके अंदर ड्राइवर नहीं होता है ना। अगर ड्राइवर होता भी है तो ऑटो पायलट मोड पर वो जा सकती है ना। जैसे आपने देखा है टेस्ला, टेस्ला की कई सारी कार सवार आ रही है कि ऑटो पायलट मोड पर आपने डाल दिया, उनके अंदर नक्शा वगैरह हर चीज है ना, ट्रैफिक वगैरह से निकलने की स्किल भी उनको सिखाई गई है। बस आपको क्या करना है, जहां पर आपको जाना है डेस्टिनेशन आप लिख दीजिए, वो आपको पहुंचा देगी। ठीक, इस प्रकार की कार्स भी आ रही हैं। इसी प्रकार से आपने देखा था यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इस प्रकार के ड्रोन भी आ गए हैं जिसके अंदर पायलट नहीं है। और अब आपको देखने के लिए मिल रही है, भारत में पहली बार आई है कौन, मेट्रो ट्रेन जिस पर ड्राइवर नहीं है तब भी काम चल जाएगा। कहां से आई है आपने देखा, शंघाई। शंघाई कहां, चीन। चीन से आई है। ठीक, गुरुदेव अमेरिका और ईरान के बारे में कुछ बताइए, देवू जी ने पूछा है। बिल्कुल, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली जाएगी। अभी फिलहाल इस सवाल को अगर देखते हैं तो देखिए, जापान की अगर बात करते हैं तो आपको याद आ रही होगी बुलेट ट्रेन, है ना। बुलेट ट्रेन वो साहब चलने वाली थी मुंबई और गांधीनगर के बीच, है ना, अहमदाबाद और अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली थी। और आपने देखा है कि जापान के सहयोग से बुलेट ट्रेन का निर्माण भारत में किया जा रहा था। क्लियर, और यहां पर हमने देखा कि बात है ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की, कहां पर चल रही है, बेंगलुरु। कहां पर चल रही है, बेंगलुरु। बेंगलुरु कहां, कर्नाटक। ठीक, अर्थात कर्नाटक में चलेगी, ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन होगी और चीन के सहयोग से यह बनी है। अब देखिए जानकारी यहां पर क्या क्या हो जाती है, लिखी भी हुई है, लिखित रूप से भी है, है ना। अगर आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लिखित रूप से जो चीजें हैं उनको अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। जैसे बेंगलुरु मेट्रो के लिए पहली चालक रहित ट्रेन 6 फरवरी 2024 को शंघाई से चेन्नई बंदरगाह पर पहुंची है। शंघाई चीन से, चेन्नई अर्थात तमिलनाडु भारत के बंदरगाह पर पहुंची है। चीनी स्वामित्व वाली CRRC नानजिंग पुंजेंग कंपनी हो जाती है। ठीक है,
और इसके द्वारा यह ट्रेन निर्मित की गई है। नम्मा मेट्रो के येलो लाइन के माध्यम से चलेगी। वर्तमान में यह निर्माणाधीन है। कुल मिलाकर यह भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये ट्रेन, ये मेट्रो ट्रेन जैसे ही आएगी वैसे ही लॉन्च कर दी जाएगी। जी नहीं, पहले इसका ट्रायल होगा, फिर पायलट रूप से चलाई जाएगी। पायलट रूप से मतलब टेस्टिंग रूप से चलाई जाएगी कि हाँ एक बार छोटे छोटे यात्राएं करके देख लेते हैं, अगर ठीक ठाक सारी चीजें रही तभी चलाई जाएंगी। पता चला कि हम मेट्रो चला रहे हैं, बीच में कुछ बंदर कूद गए और यहां पर एक्सीडेंट वगैरह ट्रेन का ही कर दिया गया है ना। इस प्रकार से जो भी भारत की परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से इसका पायलट प्रोजेक्ट किया जाएगा, टेस्टिंग की जाएगी, फिर इसको सामान्य जनता के लिए बृहद रूप से लॉन्च किया जाएगा। ठीक बात। यह एक प्रोटोटाइप ट्रेन येलो लाइन पर ट्रायल रन करेगी जो सिल्क बोर्ड के माध्यम से आरवी रोड और बोम्मा सद्रा से जोड़ने के निर्माणाधीन होगी। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। कुल मिलाकर कितने पॉइंट, बेंगलुरु मेट्रो के लिए चीन के सहयोग से ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। आगे बढ़े, देखिए अब यह है भारत का नक्शा, देख लीजिए। और अभी अभी एक बच्चे ने पूछा था कि सर अमेरिका और ईरान के बारे में बताइए, तो देखिए एक ईरान हो जाता है हमारे, यहां पर है पाकिस्तान, यहां पर है अफगानिस्तान और यहां पर आपको ईरान देखने के लिए मिलता है। ठीक बात। यहां पर आपको ईरान नाम का देश देखने के लिए मिल जाएगा। ईरान नाम के देश में आपको सिया मुस्लिम बहुत संख्या में देखने के लिए मिल जाएंगे। ये बात हो गई। ईरान की राजधानी तेहरान हो जाती है। और अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका एक पश्चिमी देश हो जाता है और अमेरिका चाहता है कि सारे जो देश है उसके नियंत्रण में रहें और परमाणु जो हथियार है जिसने बना लिया है तो ठीक बात है, जिसके पास अभी तक परमाणु हथियार नहीं है वो लोग परमाणु हथियार बनाने का सोचे भी नहीं, ऐसा चाहता है अमेरिका भैया। और यहां पर ईरान चाहता है कि भाई हम क्यों नहीं बनाएंगे परमाणु हथियार। लेकिन ऐसी न्यूज सामने आई कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। ईरान ने तो मना किया कि मैं नहीं बना रहा हूं, लेकिन अमेरिका को ऐसा लगा कि ईरान बना रहा है परमाणु हथियार और यहां पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए ईरान के ऊपर। ईरान जो कि रशिया का बहुत ही अच्छा मित्र है ना, इसीलिए आप देखते हो कि अगर रशिया का बहुत ही अच्छा मित्र है तो अमेरिका के बहुत ही ज्यादा खतरनाक दुश्मन भी हो जाता है। ठीक, इतना ज्यादा खतरनाक दुश्मन है कि इसके सेनाध्यक्ष को एक बार ड्रोन हमला करके मार भी दिया गया था अमेरिका के द्वारा। इस प्रकार से चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। कुल मिलाकर यह हो गई बात ईरान और अमेरिका की। ठीक, छोटी सी बातें अभी समझिए। और यह है भारत का नक्शा। हो सकता है आप मध्य प्रदेश से क्लास देख रहे हो मेरी, हो सकता है आप उत्तर प्रदेश से हो सकता है आप बिहार से हो सकता है राजस्थान से, तो जहां से भी आप क्लास देख रहे हो शानदार रूप से नोट्स बनानी है, एग्जाम क्लियर करना है, अपने सर को बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक ना बात। अब देखते हैं जिस प्रकार से हम लोग बैठक समिति याद करते हैं। देखिए आप क्या चाहते, आपके पिताजी क्या चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ लिख कर एक अच्छे व्यक्ति बनिए, देश को समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दीजिए। ठीक बात। उसी प्रकार से अगर ये पृथ्वी कैसे बचेगी, पृथ्वी बचेगी जब हर व्यक्ति इसी प्रकार से सोचेगा कि हम अपने आगे वाले जो भी पीढ़ी के लोग हैं, जो भी वंशज हैं, उनको हमारी पृथ्वी सुरक्षित रूप से दें, है ना। मान लीजिए आपने ही इतना ज्यादा प्रदूषण किया है कि भाई साहब आपके आगे आने वाले जो भी वंशज हैं आपके, जो भी बच्चे होंगे, जो भी होंगे, है ना, उनके लिए आपने ये पूरी पृथ्वी को एकदम नष्ट कर दिया है, उनके जीवन के लिए ही आपने छोड़ा ही नहीं है, तो कैसी बात होगी, है ना। इसी को बोला जाता है सतत विकास। सतत विकास, निरंतर चलने वाला विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, तो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बैठक की जाती है जिसकी अध्यक्षता, जिसका उद्घाटन वाइस प्रेसिडेंट अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया जाता है। ठीक, मैंने क्या बोला, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। वर्ल्ड सस्टेनेबल अर्थात विश्व, सतत डेवलपमेंट मतलब विकास, समिट मतलब सम्मेलन, 2024 इन मई नई दिल्ली अर्थात नई दिल्ली में। विश्व सतत विकास सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में उद्घाटन उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया। इसकी थीम क्या रखी गई, आप बोलेंगे लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। लीडरशिप फॉर
सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस इसकी थीम रखी गई। इसको आप हिंदी में क्या बोलोगे, सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व, तो इसको आप हिंदी में बोलोगे। 7 से 9 फरवरी तक 23वां संस्करण इसका आयोजित किया गया था, मुख्य रूप से 2001 से यह बैठक आप देखते हो। उम्मीद है कि मैंने जो बोला कुछ बच्चों को थोड़ी बात समझ में आई होगी, कुछ बच्चों के ऊपर से बात निकल गई होगी, लेकिन पूरी बात अभी किसी के समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, कोई नहीं, मुझे पता है। अब देखिए थोड़ी सी और बातें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है एक बार इसको देख लीजिए, फिर दोबारा से देखते हैं कि आखिर आपको याद कैसे करनी है ये बातें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सर देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2015 में एक बैठक की गई और 2015 में ये निष्कर्ष निकाला गया कि हम लोग 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखेंगे। कितने? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखेंगे, जो कि हमारे पृथ्वी को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा निरंतर रूप से जारी रखने के लिए प्रयास, है ना, विकास करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये लक्ष्य लगभग 2030 तक पूरे करने का लक्ष्य रखा गया था, टारगेट रखा गया था। क्या बोला गया? यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सतत विकास के लिए 17 गोल डिसाइड किए गए थे, जिनको 2030 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य था। ये गोल्स कौन कौन है यहां पर देख लीजिए, जैसे नो पॉवर्टी, गरीबी को हटाना, जीरो हंगर, भुखमरी को हटाना, गरीबी भुखमरी, इसके अलावा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य अच्छा रखना, क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा अच्छी प्रोवाइड करना, इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता के बारे में बात की गई, ठीक। इसके अलावा यहां पर क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, अर्थात आप देखेंगे स्वच्छ पानी सभी को प्राप्त हो, यहां पर एनर्जी प्राप्त हो, यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो, ये सारे इस प्रकार से आपको ग्रोथ के 17 गोल्ड नहीं बोल रहा हूं मैं, गोल्स बोल रहा हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, GOALS, गोल्स, है ना, लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य, कितने? 17 में पहला कौन सा है? जीरो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, गरीबी को हटाना। दूसरा हंगर, भूख को हटाना, पहले हम गरीबी हटाएंगे तब ना भूख को हटाएंगे, बिल्कुल। फिर तीसरे में अच्छा स्वास्थ्य, जब हम भूख को हटा देंगे, अच्छे से खाना पीना खाएंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तब फिर हमारा दिमाग भी अच्छा रहेगा, हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन। फिर जेंडर इक्वालिटी, जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तब हम समझेंगे कि लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं, जेंडर इक्वालिटी, और फिर हम पानी वानी भी सबको बराबर से पिलाएंगे, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, ठीक। अब देखिए साहब सवाल कैसा पूछा जाएगा, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? Who inaugurated the World Sustainable Development Summit 24? द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनकर, नरेंद्र मोदी जी, भूपेंद्र यादव, उत्तर क्या होगा? ठीक, अब देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या क्या बात पढ़ी, पॉइंट नोट करिए। पहला पॉइंट जगदीप धनकर जी के द्वारा उद्घाटन, दूसरा पॉइंट नई दिल्ली में इसका आयोजन, तीसरा पॉइंट 7 से 9 फरवरी के बीच 23वां संस्करण 2001 से शुरुआत, इसका थीम क्या रखा गया, लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस, लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस, ठीक बात। आइए अब देखिए नोट्स कैसे बनाना है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, ठीक, कब आयोजित हो रहा है? आपने बोला साहब यह है आयोजित हो रहा है फरवरी, 6 से 9 फरवरी, कोई दिक्कत नहीं, फरवरी 2024 आप लिखिए, कहां पर? नई दिल्ली पर, नई दिल्ली, ठीक है बात। कौन सा संस्करण? 2001 से शुरू हुआ, 2024 में इसका 23वां संस्करण हो जाता है, ठीक। इस बार किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो आपने बोला उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनकर जी के द्वारा,
ठीक बात, तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए थीम क्या है इस बार की, तो आप बोलेंगे लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। ठीक, आप इसी तरह आप हिंदी में याद करिए, इंग्लिश में याद करिए, मैं आपको बोलूंगा इंग्लिश पर ही आप याद रखिए। लिखने का तरीका आपका हिंदी हो चलेगा, लेकिन याद रखिए थीम आदि चीजें जो है आप इंग्लिश पर ही याद रखिए। थीम हो गया, किसी चीज का फुल फॉर्म हो गया, है ना, ये सारी चीजें आपको इंग्लिश पर ही याद रखनी है। जैसे लीडरशिप, लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। एंड क्लाइमेट जस्टिस, ठीक, इस तरह से आपको नोट्स बनानी है। क्लियर, देखिए इंग्लिश पर भी नोट करना है तो आप यहां पर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश पर आप लिखेंगे लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस, लेकिन आप अगर हिंदी पर लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है, तो आप ऐसे लिखें सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व। आपको अगर हिंदी में भी लिखना है थीम और फुल फॉर्म किसी चीज का, आप इसी प्रकार से लिखेंगे। ऑल क्लियर, कोई किसी को शक नहीं होगा, उम्मीद यही है, ठीक। और आप यह भी याद रखेंगे 2015 में यूएन के द्वारा 17 सस्टेनेबल, है ना, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी रखे गए थे, जिनको 2030 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। बोलो स्वाहा। ठीक, उत्तर क्या हो गया? आपने बोला साहब इस प्रश्न के उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा श्री जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में, राज्यसभा के सभापति वर्तमान में हो जाते हैं। ठीक, क्लियर। आप देखोगे यहां पर उपराष्ट्रपति पद का वर्णन किस अनुच्छेद में, 63 नंबर का जो अनुच्छेद है बोलता है भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, 64 नंबर का जो अनुच्छेद है वो बोलता है जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के सभापति भी होंगे। ठीक है बात, तो ये भी आपको याद रखनी है। जगदीप धनखड़ जी इसके पहले क्या हुआ करते थे, आपको पता है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे। ठीक बात, तो यहां पर सारी बातें हो गई, हमने देख ली बढ़िया तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। पहले सवाल में मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि नोट्स वगैरह कैसे बनानी है, अब हमारे पास समय थोड़ा कम बचता है, इसके लिए आप स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएंगे, सभी लोग यहां पर मेरा साथ देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट के लिए, अच्छा स्क्रीनशॉट की वैसे जरूरत नहीं है लेकिन आप ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि जब आपको पीडीएफ मिल जाती है तो पीडीएफ से आप सारी चीजें अच्छे से पढ़ लीजिए भली प्रकार से। यहां पर क्या बात की जा रही है, ये कौन है और ये कौन है और ये कौन है, देखिए बात की जा रही है असम में हाल ही में, आपने खेलो इंडिया गेम्स देख रहे हैं आप, 2018 में भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक लीग की शुरुआत की जाती है 2018 से, जिसको बोला जाता है खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, है ना। और खेलो इंडिया के तहत बहुत सारे गेमों का आयोजन, बहुत सारे खेलों का आयोजन किया जाने लगा, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम हो गए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो गए, खेलो इंडिया पैरा गेम हो गए, खेलो इंडिया इसके अलावा विंटर गेम हो गए, है ना। एक मिनट, आपके कमेंट थोड़ा सा रुके हैं, मुझे समय दीजिएगा। बिल्कुल, तो मैंने क्या बोला, मैं यहां पर लिख कर बताता हूं। जैसे हमने बात करी 2018 से खेलो इंडिया, है ना, किसकी बात, खेलो इंडिया की शुरुआत होती है। खेलो इंडिया ये क्या है, एक प्रकार से एक मैच की लीग है। जैसे आप देखते हो आईसीसी के द्वारा कई सारे मैच कराए जाते हैं, कहीं पर T20 वर्ल्ड कप करा दिया जाता है, कहीं पर 50-50 वर्ल्ड कप करा दिया जाता है, कहीं पर टेस्ट चैंपियनशिप करा दी जाती है आईसीसी के द्वारा। उसी प्रकार से भारत में भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 2018 से खेलो इंडिया नाम से एक लीग की शुरुआत की जाती है। इसके द्वारा कई सारे खेल कराए जाते हैं, जिसमें से आप देखते हो यूथ गेम हो जाता है, यूथ गेम हो जाते हैं, ठीक, आपने देखा यूनिवर्सिटी गेम,
आपने देखा विंटर गेम, आपने देखा पैरा गेम, ठीक बात। तो ये चार प्रकार के खेल अभी वर्तमान में किए जा रहे हैं खेलो इंडिया के द्वारा। अभी अभी कुछ समय पहले ही आपने बात करी है साहब खेलो इंडिया का छठवां संस्करण है ना पूरा हुआ है, कहां पर? तमिलनाडु पर पूरा होता है, तमिलनाडु इसका होस्ट होता है और इसमें टॉप पोजीशन पर आता है महाराष्ट्र, ये आपने देखा, ठीक है। कुछ समय पहले खेलो इंडिया छठवें संस्करण के पहले आपने देखा था पैरा गेम हुए थे है ना, पहले नंबर के फर्स्ट कहां पर हुए थे? न्यू दिल्ली पर हुए थे, नई दिल्ली पर हुए थे है ना, और इसका होस्ट नई दिल्ली और टॉप पर कौन रहा था? आपने बोला साहब होस्ट हो जाता है नई दिल्ली और टॉप की अगर बात करते हैं तो टॉप पर इस पर रहा था हरियाणा, क्लियर कोई शक? और अब हम बात कर रहे हैं यहां पर विंटर गेम के बारे में भी, अभी अभी हमने पढ़ा था लद्दाख में शुरू होने वाले थे, ठीक है। कहां पर शुरू होंगे? लद्दाख में शुरू होंगे, जम्मू कश्मीर में खत्म होंगे, जम्मू कश्मीर में खत्म होंगे, कौन से नंबर के? फोर्थ नंबर के विंटर गेम की हमने बात करी, ठीक। और अब जानकारी निकल कर आ रही है कि फोर्थ यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होने वाला है असम में, होने वाला है कहां पर? असम में होने वाला है। और ये जो विंटर गेम है चौथे नंबर के, इनका शुभंकर क्या था? इनका शुभंकर था शान, है ना, जिसको क्या बोला जाता है? शीन ए शी भी जिसको बोला जा रहा था, है ना, शीन ए शी भी जिसको बोला जा रहा था शान, ठीक। ये क्या था? एक हिम तेंदुआ था, हिम तेंदुआ था, ठीक। और यहां पर अष्टलक्ष्मी जो कि एक तितली है वो होने वाला है शुभंकर चौथे में। यहां पर आपको अष्टलक्ष्मी 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 जो कि एक तितली है यह शुभंकर के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगी। और यही जानकारी इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी पर नोट्स बनानी है कि एक ही जगह पर सारे आपके डाउट टाटा खत्म बाय बाय, ठीक। आपने देखा यहां पर यूथ गेम जो तमिलनाडु पर हुआ था उसका शुभंकर क्या था? आपने देखा था साहब वीरा मंगई, वीरा मंगई इसका शुभंकर हो जाता है, ठीक है बात। जैसे रानी लक्ष्मीबाई को आप देखते हो उत्तर प्रदेश की झांसी की थी है ना, बड़ी ही शानदार एक वीरांगना थी, उसी प्रकार से तमिलनाडु की एक वीरांगना हो जाती है वीरा मंगाई, ठीक बात। इसके अलावा देखिए पैरा गेम की बात कर रहे हैं जो कि नई दिल्ली पर हुआ था, इसका मैस्कॉट क्या रहा था? उज्जला, उज्जला क्या थी? एक चिड़िया थी, ठीक बात। शुभंकर क्या? उज्जला, कोई शक? आगे बढ़े, जबरदस्त। एक बच्चे ने लिखा है सर थोड़ा साफ साफ लिखिए, देखिए थोड़ा सा आप यहां पर काम चला लीजिए, थोड़ा सा मेरी बातों को सुनकर काम चला लीजिए है ना, दोनों चीजों को साथ में करिए, मेरी बात भी सुनिए और लिखते भी चलिए। ये सारी बातें पहले से करा चुका हूं, सिर्फ याद कराने के लिए नोट दे रहा हूं, ठीक। यहां पर जानकारी लिखी हुई है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के लिए शुभंकर को लॉन्च किया है। शुभंकर क्या है? अष्टलक्ष्मी है, यह है अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी क्या है? एक तितली हो जाती है। कहां पर आयोजन होगा? गुवाहाटी असम में इसका आयोजन होगा, बोलो स्वाहा, ठीक। स्वाहा हम लोग क्यों बोल रहे हैं? तो जो बच्चे पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि जब भी कोई पूजा अर्चना आदि की जाती है तो लास्ट में आप बोलते हैं स्वाहा, ताकि भगवान को वह पूजा अर्चना सुनाई दे, भगवान उस पूजा को कबूल करें। और उसी प्रकार से आप देखते हो यहां पर भी हम लोग बोलते हैं स्वाहा, ताकि आप के जब भी एग्जाम आए तो आपको ये सारी बातें याद आ जाए और अच्छे से याद रहे एग्जाम तक, ठीक बात। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कौन? हेमंत बिस्वा सरमा। ये कौन? निशित जी हो जाते हैं, हमारे खेल राज्य मंत्री हो जाते हैं, क्लियर। हेमंत बिस्वा सरमा कौन? सीएम, मुख्यमंत्री, कहां के? असम के, क्लियर। आगे बढ़े नेक्स्ट। यहां पर
समझ में आ रहा है या दोबारा लिखना पड़ेगा? एक बार आप सभी बता दीजिए, अगर दोबारा लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दोबारा लिख दिया जाएगा, है ना। वैसे मैं तो यही बोलूंगा कि मैं जो जो लिख रहा हूं हाथ से, आप लोग सुन सुनकर और थोड़ा सा यहां पर हिंट देकर नोट्स अपने बनाते चलिए। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का आयोजन किस स्थान में प्रस्तावित है? इन विच प्लेस इज द फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 24 प्रपोज टू बी ऑर्गेनाइज्ड? क्या उत्तर प्रदेश में, असम में, लद्दाख में, तमिलनाडु? उत्तर क्या होने वाला है जल्दी बताइए। एक बात और बताइए, क्या जो मैंने लिखा है दोबारा से नोट्स बनानी पड़ेगी मुझे, लिखना पड़ेगा या आप लिख लेंगे? एक बार सभी बच्चे बता दीजिए ताकि कोई समस्या दिक्कत ना रहे। ठीक, तो देखिए हम लोगों ने किस तरह से पढ़ा, पढ़ने का तरीका कौन कैसा है हमारा, जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं उनके लिए बता रहा हूं। तस्वीर देखी हमने, तस्वीरें लंबे समय तक याद रखेंगी। तस्वीरों से हमने एक यहां पर एनालिसिस किया कि क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। इस फोटो को आप स्क्रीनशॉट के रूप में भी रख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमने यहां पर एनालिसिस किया नोट्स किस प्रकार से बनानी है वो हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा यहां पर सवाल किस प्रकार से आ सकता है, क्योंकि कितना भी आप पढ़ लें सवाल कैसे आते हैं अगर आपको जानकारी नहीं है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है गुरु, है ना। अब देखिए समय को देखते हुए मैंने यहां पर निश्चय किया है, आप लोगों ने भी जो बोला है कि दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखिए, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का प्रस्तावित कहां पर हो जाएगा? बोलेंगे असम में हो जाएगा। असम में भी कहां? असम के गुवाहाटी पर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपने क्या देखा? तीसरा संस्करण, है ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का तीसरा संस्करण, है ना, तीसरा संस्करण, तीसरा संस्करण कहां पर आपने देखा? आपने देखा था, यह हुआ था उत्तर प्रदेश में। क्लियर। पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें टॉप में रही थी, इसके अलावा जीतू इसका शुभंकर रहा था, जीतू शुभंकर। ठीक, लद्दाख, लद्दाख में आपने खेलो इंडिया विंटर गेम, है ना, शीतकालीन खेलो इंडिया का चौथा संस्करण शुरुआत अभी देखी है। तमिलनाडु पर खेलो इंडिया यूथ गेम का सिक्स्थ एडिशन आपने देखा। इनके बारे में मैंने पहले ही लिखकर आपको बता दिया है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर क्या बात की जा रही है। ये रहे म्यांमार भैया, कौन से भैया? म्यांमार भैया। एक बार देख लीजिए, जानकारी पढ़िए, फिर मैं बताता हूं कि आखिर लिखा क्या हुआ है। एक बच्चे ने पूछा है, और यह सवाल कई सारे बच्चों का है, कि अविनाश सर की क्लास क्यों नहीं हो रही है? देखिए उनके घर में अभी काफी सारी समस्याएं आई हुई हैं, जिसके कारण से अभी फिलहाल वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, जल्दी ही उनकी क्लास शुरू होगी। ठीक, एक बच्चे ने पूछा है सर इसके विजेता के बारे में बता दीजिए। तो देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के पिछले संस्करण की बात अगर हम कर रहे हैं, है ना, कहां पर? उत्तर प्रदेश में होता है। इसका विजेता की बात करते हैं, टॉप पर कौन रहा था? टॉप पोजीशन पर आप बोलेंगे साहब पंजाब विश्वविद्यालय रहा था, पंजाब विश्वविद्यालय रहा था। ठीक, आइए बात किसकी? म्यांमार की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं लोकेशन दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिर कहां पर म्यांमार हो जाता है। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसी भारत की बात हो रही है, इंडिया भारतवर्ष की बात हो रही है। यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये रहा नेपाल, ये रहा भूटान, ये रहा बांग्लादेश जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, यहां पर आपको पाकिस्तान देखने के लिए मिला, है ना, यहां पर आपको चीन देखने के लिए मिला। ठीक है, और यहां पर पाकिस्तान के इधर साइड आपको अफगानिस्तान देखने के लिए मिला, यहां पर आपको ईरान देखने के लिए मिला, यहां पर आपको इराक देखने के लिए मिला। इस प्रकार से आसपास के देश हो जाते हैं। यहां पर आपको श्रीलंका देखने के लिए मिलेगा। ठीक बात, ये रही बात। और इधर साइड आपको म्यांमार नाम का देश देखने के लिए मिलता है, जिसको पहले वर्मा कहा जाता था।
पहले वर्मा कहा जाता था, नायपीडो जिसकी राजधानी हो जाती है, नायपीडो जिसकी राजधानी हो जाती है, क्या राजधानी हो जाती है, नायपीडो जिसकी राजधानी हो जाती है, क्यात जिसकी करेंसी हो जाती है, क्यात है ना, क्यात जिसकी मुद्रा हो जाती है, उसी म्यांमार की बात हो रही है, भारत के साथ म्यांमार, ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना, यहीं पर लिख देता हूं। भारत के साथ अगर बात करते हैं तो म्यांमार चार राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, कौन कौन से राज्य, एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, क्या क्या मैंने बोला, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर और मिजोरम। सर आज आप इतने ज्यादा डिटेल में क्यों बता रहे हो म्यांमार के बारे में और सीमाओं के बारे में क्यों बता रहे हो, बता रहा हूं, रुकिए जरा सबर करिए। 1643 किलोमीटर, कितना, 1643 किलोमीटर, अर्थात 1643 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं भारत के राज्य म्यांमार के साथ, क्लियर, इतनी बातें आपने समझ ली, कौन कौन से राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। एक बार फिर से मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे, भारत के सबसे पूर्व में एक देश जिसका नाम है म्यांमार पहले हुआ करता था वर्मा, जिसकी राजधानी नायपीडो और जिसकी मुद्रा हो जाती है क्यात, क्लियर। वर्तमान में यहां पर सेना का शासन है, मतलब लोकतंत्र यहां पर नहीं है, सेना का शासन है। जैसे मान लीजिए हमारे यहां पर जो आर्मी है, आर्मी के चीफ ने बोला कि हमें राष्ट्रपति नहीं चाहिए, हमें प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हम ही शासन करेंगे, क्योंकि सैन्य पूरी बल तो हमारे पास है, सेना हमारे पास है, ताकत हमारे पास है, तो राष्ट्रपति को हमने बल से हटा दिया, प्रधानमंत्री को हमने बल से हटा दिया, यही हो जाता है सेना का शासन, ठीक। भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ कुल मिलाकर 1643 किलोमीटर की सीमा बनाई जाती है। और अभी चर्चा में यह क्यों है तो मैं आपको बताता हूं, देखिए भारत ने कई सारे समय से देखा है कि यहां पर म्यांमार पर लगातार जो विरोधी बहुत सारी लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार से तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है, क्योंकि यहां पर सेना का शासन है, सेना का शासन है, और आपको पता है सेना हमेशा चीन के पक्षधर रहती है ना, चीन के हितैषी रहती है, तो चीन अब चाह रहा है कि पूरा इस प्रकार से बॉर्डर बनाए। यहां पर से मैं आपको बताता हूं, देखिए चीन चाह रहा है कि यहां पर है चीन इस प्रकार से भारत से यहां पर अरब सागर में आने की कोशिश, बंगाल की खाड़ी पर आने की कोशिश कर रहा है। मैंने क्या बोला, सेना का शासन, चीन यहां पर हितैषी हो जाता है सेना का शासन का, ठीक है, और यहां पर उसी को फायदा पहुंचाने के लिए, चीन को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है यहां का सेना, म्यांमार की सेना, और उसी को फायदा ना पहुंचे इसके लिए यहां पर कुछ विरोधी दल भी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी है, भारत में सरकार है उनकी, और वो कुछ काम कर रहे हैं, तो कुछ विरोधी दल ऐसे हो जाते हैं जो कि नहीं चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार के काम करें, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं, ठीक बात। उसी प्रकार से आप देख रहे हो म्यांमार पर जो सेना का शासन है उसके खिलाफ वहां के कुछ और ग्रुप्स हो गए हैं, मतलब आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, और उसी लड़ाई के कारण म्यांमार पर काफी ज्यादा अशांति बनी हुई है। उसी अशांति के कारण भारत ने, उस अशांति से भारत को बचाने के लिए एक प्रकार से सीमा बाल लगाने की बात कर दी है। जैसे आप घर में कोई जबरदस्ती ना घुस पाए, आप घर में चोरी वोरी ना हो, तो आप क्या करते हो, बाल लगवा देते हो, बाउंड्री फेंसिंग करवा देते हो। उसी प्रकार से यहां पर भी बाल लगाए जाने की बात की जा रही है, फेंसिंग करने की बात की जा रही है, तार वाल लगा दिया जाता है ताकि कोई भी जानवर आदि अंदर से ना पाए, वही बात की जा रही है, ठीक। उम्मीद है कि मैंने जो बोला है आपको समझ में आया होगा। सरकार ने पूरी 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है। बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए सीमा पर एक गश्ती ट्रैक भी बनाया जाएगा, क्लियर, ये जानकारी हो गई।
कुल मिलाकर भारत की सुरक्षा के लिए म्यांमार से कोई भी अशांति ना पहुंचाई जा सके इसके लिए बाड़ बनाई जाएगी, बाउंड्री बनाई जाएगी तार वगैरह से, और उसकी निगरानी करी जाएगी भारत के द्वारा, अभी हाल ही में ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा पर बाड़ लगाने की घोषणा करी है? रिसेंटली इंडिया हैज अनाउंस टू इरेक्ट बॉर्डर फेंसिंग विथ विच कंट्री, उत्तर क्या होगा? तो साहब हमने बात करी है यहां पर म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो देखिए पाकिस्तान के साथ भी हम लोगों ने ये बाड़ वगैरह लगाई हुई है, तो ये बड़ी बात नहीं है, हाल ही में घोषित किया गया है इसलिए आप याद रखिएगा। ठीक, म्यांमार के साथ हमने ये लगाने की बात करी है। ठीक, जल्दी से बताइए कितनी सीमा लगाती है भारत के साथ, सीमा भारत के साथ म्यांमार कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है? ठीक, यहां पर कितने किलोमीटर पूछा गया है। अब आप फिर राज्यों का नाम भी बताएंगे, है ना, कौन कौन से राज्य हो जाते हैं जो कि म्यांमार के साथ भारत की सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा आप यह भी बताएंगे म्यांमार की राजधानी क्या है, इसके अलावा आप यह भी बताएंगे कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। ठीक, नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की राजधानी थिम्पू, बांग्लादेश की राजधानी हो जाती है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा टका, भूटान की नगुलट्रम, नेपाल की क्या हो जाती है रुपया, इसके अलावा म्यांमार की क्यात हो गई, क्यात, और राजधानी की बात करते हैं नायपीडो, नायपीडो। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं, कितनी सीमा किलोमीटर, 1643 किलोमीटर, राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक, शॉर्ट में लिखा है, पहले मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, कोई बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा कि सर शॉर्ट में क्यों लिखे हो। नेक्स्ट, यहां क्या बात की जा रही है, देखिए जैसे हमने देखा है दिव्यांग लोग होते हैं, पैरा गेम्स होते हैं, ओलंपिक होते हैं, पैरालंपिक भी होते हैं, सामान्य व्यक्तियों के लिए ओलंपिक और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पैरालंपिक, उसी प्रकार से दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी कई सारे खेल होते हैं। उसी खेल में जैसे हमने क्रिकेट का विश्व कप भी देखा था, जितने भी क्रिकेट के खेल हो रहे हैं दिव्यांग अर्थात दृष्ट, है ना, जो लोग ब्लाइंड हैं देख नहीं सकते हैं, उनके लिए जितने भी क्रिकेट की प्रतियोगिताएं होती हैं तब में शीर्ष पर भारत की टीम रही है, डायरेक्ट आप इतना याद करिए। चाहे पुरुषों के विश्व कप की बात की जा रही है, भारत ही विजेता रहा था, चाहे आपने बात करी है चैंपियनशिप में, महिला टीम ने भी जीता था, भारत की टीम ने ही जीता था यहां पर ब्लाइंड वाला क्रिकेट मैच। और अभी ब्लाइंड क्रिकेटर्स की T20 की एक प्रतियोगिता हुई जिसका 6वां संस्करण आयोजित हुआ, नागेश ट्रॉफी जिसका नाम हो जाता है। आपसे सवाल ऐसा भी निकल कर आ सकता है कि नागेश ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, आप बोलेंगे दृष्टिबाधित लोग अर्थात दिव्यांग लोग अर्थात जो लोग देख नहीं सकते हैं उनसे संबंधित T20 क्रिकेट प्रतियोगिता हो जाती है। नागपुर में इसका फाइनल मैच हुआ था, 6 के आसपास स्थानों पर यह मैच आयोजित हुआ है, फाइनल कहां हुआ है यह आप याद रखेंगे, फाइनल होता है नागपुर के अंदर, नागपुर का महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें कर्नाटक की टीम ने आंध्र प्रदेश की टीम को हराया। ठीक, किसके द्वारा आयोजन किया जाता है तो आप बोलेंगे CABI, मतलब क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन द इंडिया के द्वारा आयोजन किया जाता है। स्पॉन्सर कौन रहा था, किसने पैसे दिए थे ताकि आप लोग ये सारी चीजें अच्छे से व्यवस्था कर सके, इंडस इंड बैंक द्वारा इसको समर्थित किया गया, स्पॉन्सरशिप की गई। नागेश ट्रॉफी 2023-24 का विजेता कौन सी टीम रही है, विच टीम हैज बीन द विनर ऑफ नागेश ट्रॉफी 23-24, उत्तर क्या होगा, किसकी बात की गई, जल्दी जल्दी आप सभी नोट करेंगे, कैसे नोट्स बनानी है वो भी देख लीजिए। नागेश ट्रॉफी की बात करी गई, बोलो हाँ, कौन सा संस्करण, 6th edition हो जाता है, कब, 2023-24 में इसका आयोजन किया गया, फाइनल कहां पर होता है, कुल मिलाकर 4 जगहों पर इसका
कुल मिलाकर 6 जगहों पर इसका आयोजन हुआ, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा फाइनल होता है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। नागपुर कहां है? महाराष्ट्र के अंदर हो जाता है। विजेता कौन हो जाता है? तो आपने बोला साहब कर्नाटक की टीम इसका विजेता हो जाती है। इसके अलावा उपविजेता की बात अगर हम कर रहे हैं, उपविजेता की बात कर रहे हैं तो आंध्र प्रदेश आपको देखने के लिए मिलता है, आंध्र प्रदेश आपको देखने के लिए मिलता है। किसके द्वारा आयोजन किया जाता है? तो आपने बोला काबी, है ना, काबी के द्वारा आयोजन किया जाता है। क्या हो गया? आपने बोला यहां पर ब्लाइंड एसोसिएशन हो जाता है, ठीक है। क्या हो गया? आपने देखा क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो गया। आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपने बोला इंडस इंड के द्वारा, इंडस इंड, इंडस इंड बैंक हो जाता है, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। नागेश ट्रॉफी हो क्या जाती है? तो ब्लाइंड्स के लिए अर्थात दृष्टिहीनों के लिए, दृष्टिहीन या दृष्टिबाधित लोगों के लिए T20 क्रिकेट प्रतियोगिता हो जाती है। उम्मीद है कि हर एक बिंदु आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक। काबी का फुल फॉर्म क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड्स इन इंडिया, ठीक बात। उत्तर क्या हो जाएगा? आपने देखा डिटेल में सारी बातें, उत्तर विजेता की बात की जा रही है, कर्नाटक भैया हो जाते हैं, बोलो स्वाहा, ठीक। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया की पहली पेशेवर महिला हैंडबॉल लीग को जनवरी 2025 में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। किसकी बात की जा रही है? हैंडबॉल लीग की बात की जा रही है। जिस प्रकार से आपने कबड्डी लीग देखी, जिस प्रकार से आपने क्रिकेट के लिए आईपीएल लीग देखी, महिलाओं के क्रिकेट के लिए आपने WPL लीग देखी, वुमेन प्रीमियर लीग देखी, है ना, उसी प्रकार से हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए भी एक लीग का आयोजन किया जा रहा है। जिस प्रकार से आपने देखा WPL में 5 टीमें शामिल हुई थी, जिस प्रकार से आपने देखा IPL में 10 टीमें शामिल हुई थी, उसी प्रकार से हैंडबॉल प्रतियोगिता में आपको 6 टीमें शामिल देखने के लिए मिलेंगी। कितनी टीमें? 6 टीमें आपको देखने के लिए मिलेंगी। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है, अनावरण किया गया है, है ना। मैंने क्या बोला? नई दिल्ली में घोषणा करी गई है, उद्घाटन किया गया, अनावरण किया गया है कि हम जनवरी 2025 में दक्षिण एशिया के, साउथ एशिया के पहले पेशेवर महिला हैंडबॉल लीग का आयोजन करेंगे। हैंडबॉल क्या है? एक प्रकार का गेम आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पर हॉकी या फुटबॉल की तरह एक गोल पोस्ट के अंदर आपको बॉल फेंकनी रहती है। बॉल आप बास्केटबॉल की तरह यहां पर देखोगे कि लोग खेलते रहेंगे, लेकिन फुटबॉल और हॉकी का रूप भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। एक टीम में लगभग 11 खिलाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एक टीम में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी आपको लगभग देखने के लिए मिल जाते हैं। 11 प्लेयर्स एक टीम में एक तरफ हो जाते हैं, ठीक है। तो यह भी आपको याद रखना है, एशियाई हैंडबॉल महासंघ साथ में दक्षिण एशियाई हैंडबॉल महासंघ के द्वारा यह आयोजन किया जाएगा। क्लियर? बढ़िया। हमने क्या बोला? हैंडबॉल लीग चैंपियनशिप होने वाली है, 6 टीमें शामिल होंगी, जनवरी 2025 में आयोजन होगा। नई दिल्ली पर इसका अनावरण किया गया है। किसके द्वारा आयोजन होता है? एशियाई हैंडबॉल महासंघ साथ में दक्षिण एशियाई हैंडबॉल महासंघ। क्लियर? बढ़िया। आ जाए नेक्स्ट, देखिए सवाल किस प्रकार से बनेगा यह भी जानना जरूरी है। दक्षिण एशिया की पहली पेशेवर महिला हैंडबॉल लीग का आयोजन कब किया जाएगा? When will the South Asia first professional women's handball league be organized? जुलाई 24 में, जनवरी 25 में, जुलाई 25 में या जनवरी 2026 में? उत्तर क्या होने वाला है? तो आपने बोला सर अभी अभी आपने बताया है, बात से मुकर बस मत जाइएगा, आपने बोला था यहां पर होने वाला है इसका आयोजन जनवरी 2024 में, मतलब अगले साल की शुरुआत में प्रस्तावित है, प्रपोज्ड होगा ही, ऐसा नहीं बोला गया है, प्रपोज मतलब ऑर्गेनाइज, ऐसा हो सकता है जनवरी 2025 में, ठीक बात। नोट्स बना लेंगे इसकी, समय हमारे पास कम है इसलिए अब इसकी नोट्स बनाकर मैं नहीं दिखाऊंगा, आप लोग को अब खुद से करना है, क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ है कि नोट्स कैसे बनानी है। क्लियर? कोई गुस्सा नहीं होगा ना। आइए, धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मतलब एजुकेशन मिनिस्टर हो जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मुखिया हो जाते हैं। याद कैसे रख सकते हैं आप?
अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो बन जाएंगे कहीं ना कहीं के प्रधान। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से शिक्षा प्राप्त करेंगे तो कहीं ना कहीं के प्रधान बन जाएंगे। ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक बात। अभी ये चर्चा में क्यों आ गए हैं तो देखिए, इन्होंने एक विद्यांजलि है ना, विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम को लॉन्च किया है। विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम को इन्होंने लॉन्च किया है। आपको भी पता है, आपके पास भी हमेशा इतने पैसे नहीं रहते होंगे कि आप हर एक सुविधा आपको दी जा सके, है ना। आपके छोटे भाई बहन भी होते होंगे, मान लीजिए किसी घर में 3 बच्चे हैं, आपको अच्छी शिक्षा मिल जा रही है, लेकिन हो सकता है आपके छोटे भाई को उस प्रकार की अच्छी शिक्षा ना मिले। हो सकता है आपके भाई को अच्छी शिक्षा मिल रही है, आपको अच्छी शिक्षा ना मिल रही हो। हो सकता है आपके पूरे समाज को ही अच्छी शिक्षा ना मिल रही हो, लेकिन शिक्षा प्राप्त करना सभी का एक अधिकार है, एक कर्तव्य है भारत सरकार का कि ये हर एक को दी जाए, हर एक तक शिक्षा पहुंचाई जाए। और उसी क्रम पर, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार के द्वारा एक शिक्षा नीति ले आई गई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक बात लिखी गई थी कि भाई साहब, शिक्षा प्रदान करने के लिए जो भी हमारे यहाँ के छात्र आदि हैं, अगर विदेश जाना चाहते हैं तो उनकी सहायता की जाएगी। क्या मैंने बोला? मैंने ये बोला कि अगर कोई बच्चा विदेश जाना चाहता है, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहता है, तो उसको भारत सरकार के द्वारा एक स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी, और उसी स्कॉलरशिप कार्यक्रम का नाम हो जाता है विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम, विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम। क्लियर? इसके द्वारा शुरू किया गया है EDCIL, विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत उन छात्रों को मदद प्रदान की जाएगी जिनके पास अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसे नहीं है। ठीक। विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होने वाला है। कुल मिलाकर अच्छी शिक्षा प्रदान करना आपको ही विद्यांजलि कार्यक्रम का काम हो जाता है। ठीक बात। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट। हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हु रिसेंटली लॉन्च द विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम? निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह। तो आप बोलेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी, इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा मंत्री, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? समय को देखते हुए थोड़ा स्पीड से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पर क्या बात की जा रही है, देखिए अप्रैल 2023 में एक इंडेक्स जारी किया गया था, जिस इंडेक्स का नाम था लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपको एक इंडेक्स जारी किया गया, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक मतलब क्या होता है? किसी एक स्थान पर सामान, जो भी गुड्स होते हैं, उसको ले आने ले जाने की क्या सुविधा है, उसको लॉजिस्टिक बोला जाता है। ठीक बात। इसी प्रकार से जैसे आपने देखा था असम में भारत का सबसे बड़ा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क खोला गया था, ठीक, आपने देखा था। उसी प्रकार से आपने देखा है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो भारत का स्थान 38 आपको देखने के लिए मिलता है। कितना? 38 आपको देखने के लिए मिलता है। शीर्ष स्थान, फर्स्ट रैंक पर कौन देखने के लिए मिलता है? सिंगापुर देखने के लिए मिलता है। अभी यह चर्चा में क्यों आ गया है? क्योंकि कल की है ना, कल ही भारत सरकार ने इसको फिर से रिवाइज किया है, फिर से इसके बारे में कुछ बातें बोली है कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान, साथ में यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म और लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करते हैं, साथ में लॉजिस्टिक्स लागत को भी कम करते हैं। यह बात सरकार ने बोली है और इस बात के लिए यह जरूरी हो जाता है कि आप यह भी जाने कि भारत का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में स्थान क्या है। 2023 की रिपोर्ट 139 कंट्रीज का अध्ययन किया गया, 38 इंडिया का रैंक हो जाता है। 2018 की बात की जाती है तो भारत का स्थान था 44, है ना। और बात की जाती है यहां पर 2014 की बात की जाती है तो भारत का स्थान हो जाता है 54, ठीक, 44 2018, और 2014 की बात की जाएगी तो भारत का स्थान 54। ठीक। आइए देखिए सवाल कैसा पूछा जा रहा है। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 23 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक? देखिए
कौन सी रिपोर्ट हो गई? लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस अर्थात प्रदर्शन सूचकांक। अप्रैल 2023 में जारी किया गया था, 2023 की यह रिपोर्ट हो जाती है, है ना। किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। यह वही विश्व बैंक है, वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय, 1944 में स्थापना, है ना। इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलता है, वो कौन हो जाते हैं? अजय पाल बंगा वर्तमान में इसके मुखिया हो जाते हैं, चीफ हो जाते हैं। ठीक बात, आपने देखा साहब, इसमें 139 देशों का अध्ययन किया गया है ना कुल, और इसमें भारत का स्थान की बात करते हैं तो आपको देखने को मिला 38वां स्थान भारत का, है ना। शीर्ष स्थान की बात करते हैं तो आपको देखने को मिला शीर्ष स्थान पर सिंगापुर, सिंगापुर। और भारत की ही अगर बात करते हैं तो 2018 में भारत का स्थान 44 था, 44 था, 2014 में भारत का स्थान 54 था, 54 था। 36 से, है ना, यहां पर 44 से 38, मतलब 6 अंक की सुधार हुई थी 2023 में, ऐसा बोला गया था। किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई? विश्व बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। विश्व बैंक में अजय पाल बंगा, अजय बंगा जी आपको अध्यक्ष देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, इसके अलावा 1944 में स्थापना, वॉशिंगटन डीसी मुख्यालय आपको देखने के लिए मिल जाता है, हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर, यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे साहब 38, इस बार उसका उत्तर हो जाता है। इसके अलावा आपको यह भी याद आ रहा होगा, हाल ही में भ्रष्टाचार सूचकांक भी जारी किया गया था। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया गया था। ठीक, इसके अलावा मैं अगर आपसे पूछूं फायर पावर इंडेक्स, फायर पावर इंडेक्स, फायर पावर सूचकांक में भारत का स्थान क्या था, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया गया था, जो स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया गया था, तो इसमें सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ सबसे स्वच्छ शहर में पूछ रहा हूं, ठीक है। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा हो जाता है, यह भी आप बता दीजिए मुझे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या बात की जा रही है, देखिए एक प्रकार से आप यहां पर बड़ी ही लंबी पाइप देख रहे हो। यह पाइप क्या हो जाती है? जिस प्रकार से आप कोई तोप देखते हो, है ना, तोप की नली इस प्रकार से लंबी होती है। गोला यहां पर फिट किया जाता है, गोले को धक्का दिया जाता है और गोला इस नली पर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है। क्लियर, उसी प्रकार से आपने देखा यहां पर हाइपर वेलोसिटी, हाइपर वेलोसिटी, हाइपर वेलोसिटी मतलब क्या होता है? देखिए ध्वनि की गति से, ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेज अगर कोई गति होती है तो उसको बोला जाता है हाइपरसोनिक स्पीड। लगभग 6100 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड हो जाती है, 6100 किलोमीटर प्रति आवर से ज्यादा की स्पीड हो जाती है तो उसको बोला जाता है हाइपरसोनिक स्पीड। और इस नली की सहायता से इस प्रकार की स्पीड डेवलप की जाएगी, जो गगनयान है, कई सारे क्रूज मिसाइल हो जाती हैं, उसको इस प्रकार से यहां पर से जमीन से मारा जाएगा और इस प्रकार से आकाश में लॉन्च किया जाएगा। बड़े खतरनाक तरीके से ये अपना निशाना भी लगाएगी, ये आपने देखा है। ठीक, इसका नाम क्या हो जाता है? F2 इसका नाम हो जाता है। जिंगर थंडा भी इसका नाम बोला जा रहा है। क्या नाम? F2, S फॉर शिवम सर, S फॉर सूरत, है ना, F2 इसका नाम हो जाता है। जिंगल थंडा भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा 24 मीटर के आसपास की इसकी लंबाई हो जाती है। IIT कानपुर के सहयोग से इसको बनाया जा रहा है, IIT कानपुर। ठीक बात, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जानकारी क्या है। पिछले सवाल के उत्तर क्या हो जाएंगे? भ्रष्टाचार सूचकांक में बात कर रहे हैं, 93वां स्थान हो जाएगा भारत का। फायर पावर इंडेक्स में 4th स्थान हो जाएगा भारत का। स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा हो जाएगा? आप बोलेंगे एक हो जाएगा इंदौर 7वीं बार। और इसके अलावा आपको सूरत भी देखने के लिए मिलता है।
सबसे स्वच्छ राज्य की अगर बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा सबसे स्वच्छ राज्य। क्लियर। यहां पर क्या बात की गई, आइए देखिए सवाल, कि संस्थान ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सटेंशनल है ना एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास कर सफल परीक्षण किया है। विच इंस्टीट्यूट है डेवलप्ड एंड सक्सेसफुली टेस्टेड द कंट्रीज फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी। उत्तर क्या होगा, कानपुर, मद्रास, आईआईटी दिल्ली, इंदौर। आईआईटी इंदौर द्वारा उज्जैन के अंदर सैटेलाइट संस्था बनाए जाने की बात कही जा रही है। आईआईटी दिल्ली के द्वारा अबू धाबी पर ब्रांच खोली गई है। आईआईटी मद्रास के द्वारा आपने देखा अभी अभी स्मार्ट बॉम्ब बनाया गया था है ना, स्मार्ट गोला, बारूद वाला स्मार्ट गोला बनाया गया था 150 मिलीमीटर के आसपास का, ठीक है, स्मार्ट गोला बनाया गया था, स्मार्ट बारूद अभी बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। इसके अलावा आईआईटी मद्रास की ब्रांच श्रीलंका में भी खोले जाने की बात कही गई। इसके अलावा तंजानिया पर भी इसकी ब्रांच खोली गई है। और इस प्रश्न का उत्तर आईआईटी कानपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स कौन कौन से हो जाते हैं, देखिए कुछ बातें यहां पर। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन सा स्टेडियम रखा जाने की बात कही गई है, ठीक। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम विल बी रीनेम्ड एज निरंजन शाह स्टेडियम। निरंजन शाह जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं क्रिकेट के, इनकी तस्वीर आप देख सकते हो। ये कौन है, बूम बूम बुमराह, भारत के एक तेज गेंदबाज हो जाते हैं और तेज गेंदबाजी में भारतीयों में शीर्ष स्थान पर आने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्या लिखा हुआ है, जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। पहला जहां भी आता है महत्वपूर्ण हो जाता है। जसप्रीत बुमराह बिकेम द फर्स्ट इंडियन फास्ट बॉलर टू रीच नंबर वन इन द आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने वाले पहले तेज गेंदबाज हो जाते हैं, पहले तेज गेंदबाज आईसीसी टेस्ट रैंकिंग पहले तेज गेंदबाज, नाम क्या, जसप्रीत बुमराह। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़िए। हाल ही में आपने देखा एस जयशंकर सातवीं इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2024 में भाग लेने के लिए पर्थ ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। 9 से 10 फरवरी के बीच इसका आयोजन हो रहा है, ठीक। क्या लिखा हुआ है, भारत 7 से 10 फरवरी 2024 को पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले सातवें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेगा। भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा किया जाएगा। इसकी थीम की बात करते हैं, एक स्थिर और एक टिकाऊ हिंद महासागर की ओर इसकी थीम हो जाती है। टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन इसकी थीम हो जाती है। टुवर्ड अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन इसकी थीम हो जाती है। नेक्स्ट यहां पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी क्या कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 8 फरवरी 2024 को अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के अंदर विविधता में अमृत महोत्सव, कौन सा महोत्सव, विविधता में अमृत महोत्सव नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत करी है। यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाता है, 4 दिवस का आयोजन होने वाला है, ठीक। मैंने क्या बोला है, यहां पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कौन सा, विविधता का अमृत महोत्सव, 4 दिवस का एक सांस्कृतिक महोत्सव शुभारंभ किया गया है। यहां पर क्या बोला गया, सातवां हिंद महासागर का सम्मेलन किसके द्वारा, आप देखेंगे एस जयशंकर जी यहां पर शामिल होंगे, 7वां संस्करण इसका हो जाता है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, 9 से 10 फरवरी के बीच आयोजन इसका होगा। इसकी थीम क्या रखी गई, एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, ठीक। मैंने क्या बोला, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन, ठीक, यह इसकी थीम हो जाती है। तो यह रही आज की शानदार सी बातें। अब आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा सवाल,
सवाल में क्या पूछा जा रहा है, हिंद महासागर सम्मेलन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है, हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 24, नरेंद्र मोदी, नीता निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह या एस जयशंकर, उत्तर क्या होगा। जितना डिटेल में आप देख सकते हो उत्तर दे सकते हो, गूगल की सहायता भी आप ले लीजिएगा, बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है, फिर कमेंट में आना है, उत्तर लिखना है। हिंद महासागर की बात की गई है तो कितने महासागर हैं, कितने महाद्वीप हैं, जियोग्राफी के फैक्ट्स भी आप बता सकते हो, जितने ज्यादा चीजें आप रिवीजन कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो कि जितनी चीजें आज ही आपने पढ़ी है क्लास में, है ना, उनकी भी नोट्स बना सकते हो और आप यहां पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, है ना। जितना अच्छे से आप लिखोगे, लिख करके रिवीजन करोगे, उतना ही बढ़िया आपको चीजें याद रहेंगी। अगली क्लास में होगी मुलाकात और उम्मीद है कि शनिवार को रिवीजन क्लास की आप सभी तैयारी कर रहे होंगे, सभी के नंबर बहुत ज्यादा अच्छे आने चाहिए, रिवीजन शानदार रूप से करते रहिए। जय हिंद।